गुड मॉर्निंग बेटा, लेट्स कंटिन्यू विद द रिवीजन। हाउ मेनी सॉल्यूशन डज दिस इक्वेशन हैव? क्या कर रहे हो? इसके थ्री सॉल्यूशन निकाले हैं। एक वाई को जीरो पुट करो, वन पुट करो, टू पुट करो। ये डबल में क्यों लिख रहे हो? जरूरत ही नहीं है लिखने की, वर्बली हो रहा है ये तो। फर्स्ट इक्वेशन वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सो इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। फाइंड फोर सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर वाई मीन्स यू हैव टू फाइंड फोर डिफरेंट सॉल्यूशन। फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन यू विल पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स और इधर वाई, बट बेटर टू पुट फॉर वाई। इफ यू पुट वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। इफ यू पुट वाई इज इक्वल टू वन, एक्स इज फोर। Y is 2, then X is 8. So we have solution 4, sorry, 0, 0, 1, 4, 8, 2, 3 put karte ho to 12. So these are the four different solutions of this equation. X is equal to 5 has dash solution. One solution because it is in single variable. And can you tell me the graph of x is equal to 5? In the single variable, it has a graph on a number line. Agar aap isko number line pe one variable mein plot karte ho isko,
अगर वन वेरिएबल में प्लॉट करती हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया एक्स इज इक्वल टू 5 का ग्राफ। नंबर लाइन पे वन वेरिएबल में प्लॉट करते हो तो ऐसे आएगा। वन वेरिएबल मींस नंबर लाइन। अगर एक्स की वैल्यू है तब भी नंबर लाइन आएगा, वाई इक्वल टू 5 है तब भी नंबर लाइन ही आएगी। अब वाई देख के ये मत कहना कि वर्टिकल बनानी है, हॉरिजॉन्टल ही बनानी है। वन वेरिएबल मींस यू हैव टू ड्रॉ इट इन द नंबर लाइन। ठीक है, ये वन वेरिएबल में हो गया। टू वेरिएबल में प्लॉट करना हो तो कैसे बनेगा बता सकते हो? है एक्स इक्वल टू 5 पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू 5, ये 5 आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 आ गया एक्स इक्वल टू 5 पैरेलल टू वाई एक्स। इसका मतलब जो इसका ग्राफ होगा एक्स इक्वल टू 5 का, दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। ठीक है, सपोज स्टेटमेंट्स लिखी हुई है कि x इक्वल टू 5 का जो ग्राफ है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। नेक्स्ट है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। कौन सा करेक्ट होगा? एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। ठीक है, अगर x इक्वल टू -5 होता तो यहाँ आ जाता x इक्वल टू -5 विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 होता तो फिर y यहाँ पे 3 होता x के पैरल, y इक्वल टू 3 पैरल टू x एक्सिस। राइट इक्वेशन इफ ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज एब्सिसा 2 टाइम्स द ऑर्डिनेट। इक्वेशन क्या बनेगी? एब्सिसा जो है 2 टाइम्स है ऑर्डिनेट का। ऑर्डिनेट होता क्या है? y कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है? किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। और एब्सिसा जो है इसका डबल है, इसका डबल है, 2y आएगा ना कि x आएगा। आपको क्या कह रहा है कि जो एब्सिसा है वो डबल है ऑर्डिनेट का, तो इसका डबल हो गया 2y। तो ये पॉइंट बना है। अगर इक्वेशन बनानी हो तो ये तो पॉइंट बना है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन एब्सिसा को x ले लो, ऑर्डिनेट को y, एब्सिसा इज इक्वल टू 2y, ये बन गई इक्वेशन। x इज इक्वल टू 2y, एब्सिसा इज x, ऑर्डिनेट इज y, एब्सिसा इज 2 टाइम्स y, तो इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू 2y। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी हो तो x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टार्ट करो। ये जो मैंने दिया है एग्जाम्पल है आपकी बुक का, एग्जाम्पल है ये। Are these two triangles congruent? कौन सी? AB इज अ लाइन सेगमेंट, L इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ पॉइंट,
if a point P lies on L. ये भी इक्वल होता है, ये रिजल्ट है कि अगर कोई लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट है तो वो कॉर्नर वाले पॉइंट से पर इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, दोनों ही ट्रू। पेपर में ऐसा नहीं होगा, पेपर में तो ऑप्शन देखकर आएगी। मैंने तो वैसे लिख दी ना, क्वेश्चन आपका ये था, ये तो मैंने लिखी है ऑप्शन। आपका क्वेश्चन ये था कि प्रूव करो ये इसके इक्वल है, मैंने कन्वर्ट किए इसलिए दो ऑप्शन सेम हो गई है, ठीक है। अदरवाइज पेपर में ऑप्शन देख के आएंगी, या बहुत हेवी वाली ऑप्शन होगी या नन वाली ऑप्शन होगी, वो देख लेना। ये करो, ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल। एक्चुअली रूल नहीं फॉर्म हो रहा कोई भी, ये दो साइड्स हैं इनके बीच का एंगल होना चाहिए था, इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए था, नहीं है तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक। वो करो सेकंड क्वेश्चन। Is triangle ABC congruent to AQB? Congruent है triangle? कैसे? कौन सा एंगल साइड एंगल है? साइड? हाँ AB common, ये एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ईच 90, ये कॉमन, और थ्री इज इक्वल टू फोर एंगल एंगल साइड एंगल साइड एंगल अलग है ना, एंगल एंगल साइड ए एस बनता है, और कोई रूल नहीं बन रहा। अगर ये एंगल
ये साइड और ये एंगल होता तो एंगल साइड एंगल, अब ये एंगल अलग है, ठीक है, एंगल एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। एक चीज और, ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा, सेम होगा। इसका सेकंड पार्ट यही था, प्रूव करो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू है बाय सीपीसीटी इक्वल हो जाएंगे। सीपीसीटी की फुल फॉर्म ये करो, इसके फोर पार्ट्स है, मैंने एक दिया है, इसमें से आपको डीबीसी फाइंड करना है। बुक के सारे क्वेश्चंस में जो शॉर्ट शॉर्ट पार्ट दे रखे हैं ना वो सारे कर लेना, बीच में से कुछ भी आ सकता है। एक रिजल्ट होता है दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, क्या होती है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, क्या होती है इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, पता नहीं कितनी बार करवाई हुई है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। इस क्लास में भी की हुई है, जब कंस्ट्रक्शन चैप्टर किया था ना ये प्रॉपर्टी तब भी की, इसको तो करवाई हुई है फिर भी नहीं आती, नाम बताते तो हैं हर बार। ये कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन, जी हाँ ये कर लिया क्वेश्चन, बता सकते हो कोई ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, बुक खोल के देख लो अपनी, आपकी बुक का क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का। ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ये देखो एम जो है इस साइड का मिड पॉइंट है तो ये इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो गए, बाय सीपीसीटी एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू कर सकते हैं, अगर ये एंगल इक्वल हो गए कौन से टाइप के एंगल हैं, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, लाइंस पैरेलल होगी, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर हो जाएंगे, लाइंस अगर पैरेलल है तो ये दोनों को इंटीरियर हो जाएंगे, ये 90 है तो ये भी कितना आ जाएगा, यही प्रूव कर लो, यही फाइंड करना था कितना है, 90 डिग्री है ये।
ये फाइंड करो। हो गया वो वाला। स्वामी बोलो कैसे करेंगे। कौन किसको कैसे क्यों ये इक्वल क्यों है, ये तो दिया ही नहीं हुआ। बोलो दी नहीं हुई, ये प्रूव करना है। किसने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सिर्फ परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर कहाँ लिखा है, कौन सी एडी एडी कॉमन, ये 90 90, ये एंगल 3 = 4, ए बी प्रूव करना है शो। इधर देखो ए बी ए डी जो है एंगल ए को बाइसेक्टर है 3 4 के इक्वल, ये 90 90 ए डी कॉमन, एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल क्या हो गए, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल बी और सी भी इक्वल होगा, ए बी ए सी के इक्वल होगा, बी डी सी डी के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट करो, ए पूरे का, हाँ वैरायटी होगा। एक मिनट, इसमें ना कुछ और लिखा नहीं हुआ पर होगा, ये साइड इक्वल होगी, दी नहीं हुई है लेकिन फिगर में ऐसे ड्रॉ किया हुआ लिखा कुछ नहीं हुआ, ये साइड भी इक्वल होगी, उसके बिना तो होगा ही नहीं। ये साइड इक्वल है तो बेस एंगल क्या हो जाएंगे,
ये 35 आ जाएगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। आपसे पूछ सकता है आपने कौन सी थ्योरम लगाई है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल और साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये इक्वल हो गया, अगर ये 35 35 है ये कितना होगा, 35 35 कितना होता है 70, ये 110 आ जाएगा ये वाला एंगल। और ये क्या है मीडियन, ये डिवाइड करता है इसको टू इक्वल पार्ट में, तो ये भी एंगल भी डिवाइड होगा। अगर एक ट्रायंगल पूरे दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो ये एंगल 35 है, ये भी 35 है, ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा आंसर। ठीक है 55 आएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट करो, इसमें वो रिजल्ट लगाओ जो मैंने अभी आपको बताया है, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। इसका कौन सा आंसर आएगा, कैसे आएगी ऑप्शन बताओ। पता चला है कैसे बताओ जी, कैसे किए, कम नहीं हो सकता। ठीक है देखो इधर, दो साइड का सम हमेशा थर्ड से बड़ा होता है और दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड से छोटा होता है। अब आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस कितना है 3.5, तो 3.5 से लेस नहीं आना चाहिए, ये 3.5 से मोर है, ये भी ये आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है तो ये आंसर आ जाएगा डी पार्ट 3.4। क्लियर है, कैन नॉट बी, कौन सी इसमें से थर्ड साइड नहीं हो सकती, कैसे, ये देखो एक और तरीका भी है, इन दोनों का सम फाइंड करो 4.9 आता है, लेकिन दो का सम थर्ड से लेस नहीं होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए या मोर देन होना चाहिए। दोनों का सम कितना आ रहा है 4.9, 5 होना चाहिए था या 5 से ज्यादा होना चाहिए था, तो ये यहां से भी पता चल रहा है। ठीक है नेगेटिव मींस पावर, नेगेटिव मींस रेसिप्रोकल, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर, लेकिन 4 अपनी जगह पे ही रहेगा, 4 को मत नीचे शिफ्ट कर देना, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी सॉल्व करो। आज आपका होमवर्क है, आपने अपने ट्रायंगल चैप्टर घर जाके सेकंड एक्सरसाइज रिवाइज करनी है, एक बार रीड कर लेना तब भी आ जाएगी आपको। कौन सा रिवीजन टेस्ट है आज आपका कंप्यूटर का, नेक्स्ट ट्यूसडे को आपका मैथ्स का फर्स्ट रिवीजन टेस्ट है। ठीक है ना, जो कल हुआ था वो क्लास टेस्ट था,
ट्यूजडे को, जो अपकमिंग ट्यूजडे है उसको फर्स्ट रिवीजन टेस्ट है, फोर चैप्टर है जो हम कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन और ट्राइंगल्स, नंबर सिस्टम है फर्स्ट। और अगले टेस्ट में कितने चैप्टर हैं? थ्री चैप्टर्स हैं, ठीक है। ध्यान से करना सॉल्व, आंसर बोलो क्या आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चे आंसर? आंसर इज 64। वर्बली करो, वर्बली करो मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं लिख करना। आंसर इज 80। मैंने आपको क्या बोला है? नेगेटिव टर्म है, न्यूमिनेटर में लेके जाओ, आप फिर डिनोमिनेटर में लिख दिया हुआ है आपने।